अक्सर विवाह समारोह रात्रि में ही क्यों मनाया जाता है, क्या आपने कभी सोचा है? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। भारतवर्ष पर मुस्लिमों के द्वारा पहला हमला 636 ईस्वी पूर्व में द्वितीय खलीफा के काल में हुआ था और 950 ईस्वी पूर्व में महमूद गजनबी के द्वारा किए गए आक्रमणों में पहले के सभी आक्रमण विफल कर दिए गए थे। महमूद गजनबी ने आतंक और लूटपाट में इस देश को धकेला और अनगिनत संपत्ति लूट कर ले गया। हम आपको बता दें कि पहले आक्रमण के बाद भारत पर अधिकार जमाने के लिए मुसलमानों को 570 साल लगे, लेकिन सिद्धांतों पर आधारित सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से बनी हिंदू समाज की जाति व्यवस्था ने जब 500 साल के मुस्लिम शासन काल में रक्षा कवच का रूप धारण किया, तब उसका लचीलापन भी समाप्त हो गया। हर एक जाति को एक विशेष व्यवसाय सौंपा गया जो दूसरी किसी जाति के वर्जित था। वहीं एक तरफ जाति व्यवस्था का लचीलापन धीरे धीरे कम होने लगा तो दूसरी तरफ महिलाएं घरों में बंधती चली गई और उनकी आज़ादी भी कम होने लगी। ऐसे में बाल विवाह प्रथा भी चल पड़ी, क्योंकि माता पिता सोचने लगे कि लड़की के युवावस्था में प्रवेश के बाद आज के समय में शिकार होने के भय से विवाह की जिम्मेदारी पूरी कर गंगा नहा लिया जाए। इसीलिए विवाह समारोह को गुप्त रूप से रात में संपन्न होने लगी ताकि शासन पर बैठे लोगों के घिनौने हमलों से बचा जा सके। इसीलिए हिंदू समाज में रात्रि में आज भी विवाह की प्रथा चलती है और ये कई सदियों से प्रचलित है। वहीं ज्योतिषों के अनुसार विवाह दिन में 12 बजे से पहले होना चाहिए। SPN 9 न्यूज रूम से अभिषेक की रिपोर्ट।